सिवान में लगातार आपराधिक घटनाओं को बढ़ते देख लोग खौफ में हैं। लगातार लूट, हत्या और चोरी की घटनाएं बढ़ती नजर आ रही हैं। अगर चोरी की बात करें तो सिवान का कोई ऐसा दिन बाकी नहीं है जिस दिन किसी न किसी घर में चोरी ना होती रही। और ख़ास बात यह है कि अब बेखौफ चोर खास करके पत्रकारों और पुलिस के आसपास की जगह को अपना निशाना बना रहे हैं। ताज़ा मामला है सिवान के भगवानपुर थाना क्षेत्र का, जहां सिवान के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अशोक प्रियंबर के घर में चोरों ने घुसकर लाखों रुपए की सामान की चोरी कर ली है। वहीं दूसरी तरफ सिवान के पचरुखी थाना क्षेत्र के पोखेड़ा गांव में दो घरों में घुसकर चोरी की गई है। बताया जाता है कि भगवानपुर थाना क्षेत्र स्थित रामपुर गांव में पत्रकार अशोक प्रियंबर के घर में ताला बंद था और तभी चोरों ने सामने से ताला तोड़कर घर में रखे सभी कीमती सामान ले उड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ सिवान के पचरुखी थाना क्षेत्र के पोखेड़ा गांव में भी चोर तब घर में चोरी करके सामान ले उड़े हैं जब घर के सभी लोग गर्मी के कारण छत पर सोए हुए थे। बताया जाता है कि पचरुखी थाना क्षेत्र के पोखेड़ा गांव में जिस घर में चोरी हुई है उस घर में शादी समारोह था और लाखों रुपये के जेवरात के साथ साथ लाखों रुपये कैश रखे हुए थे जिसे चोर ले उड़े बने हैं। फिलहाल पूरी घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कह रही है। 26 तारीख को मैं सिवान गया, फिर 30 तारीख को ये सूचना मिली कि घर का ताला टूटा हुआ है। कल आज आया, देखा, देखने में जो यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें गई हैं उसमें क्रम्पटन का मोटर है, गैस सिलेंडर है, चूल्हा है, कुकर है। इसके पहले भी जब घर बन रहा था, जब कहीं से बंद नहीं था, तो दो मोटर चुराए गए हैं, तो उसको मैंने गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए कि खुला है, हो सकता है कोई ले गया हो, इग्नोर किया। लेकिन इस बार गंभीरता की बात यह है कि ताला का टूटना, सामान क्या गया महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण है कि ताला टूटना। और ताला टूटने का मतलब है कि घर की जो चीज़ें हैं पूरी तरह से असुरक्षित हैं, ये घर असुरक्षित है। तो सारा सामान नगदी को नगदी कर लो 25,000 रुपया बुझा दे, कम से कम नहीं हुई तो 50,000-60,000 रुपया। हम लोग यहाँ पर आए, गेट खुला हुआ पाए, ताला टूटा हुआ नहीं था, कुंडी टूटा हुआ था। हम लोग देखे कि चोरी हो गया है, पीछे गए तो देखे पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ है और कई सामान जो इस घर के थे तो नहीं थे। इसके बाद हम लोग इस घर के गार्जियन अशोक पांडे जी को बताए और हम लोग बताने के बाद अभी प्रक्रिया चल रही है। क्या लग रहा है, पहले भी इस तरह घटना? पहले यहाँ से मोटर की चोरी गई है, दो मोटर पहले भी यहाँ से खोल लिया गया है, अभी आज एक तीसरा मोटर भी खुला है।